डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन साड़ी. जी हाँ, सिंपल सी सादगी भरी साड़ी किस तरह दो दिलों को मिला सकती है ये आप देख लीजिए. एक तो आपकी नजरों ने समझा में दर्श और नंदिनी साड़ी के चक्कर में करीब आ रहे हैं. यहाँ पर यानी पंड्या स्टोर्स में, जो संदीप पंड्या का बिल्कुल नहीं है बताना जरूरी है, वहां पर भी शिवा और रावी भले ही प्यार ना हो लेकिन नजदीकियां बढ़ रही हैं तो साड़ी के चलते ही. तो मानी हुई बात है कि हम जिससे इस सबसे ज्यादा नफरत करते हैं कभी न कभी धीरे धीरे वो दिल में बसने लगता है और ना चाहते हुए भी जब उससे रिश्ता जुड़ जाता है तो प्यार की शुरुआत भी कभी न कभी हो ही जाती है. शिवा और रावी जो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं लेकिन भगवान ने इनकी जोड़ी बना दी है. अब जोड़ी बना दी है तो कहीं न कहीं कोशिश भी करेंगे ना भगवान कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए. जब ये मुसीबत में फंसे तो इन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं. धीरे धीरे इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद ऐसी कई चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो डेवलप हो गई एक दूसरे के लिए. शिवा जिसे रावी की परवाह बिल्कुल भी नहीं है वो देखिए कैसे रावी की मदद कर रहा है. ये सीन एकदम फिल्मी है लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छुएगा. अब भी क्या है ना, अगर शादी नहीं हुई होती तो शायद बिना बचाए निकल भी चुका होता. पर अभी क्या है, इसे बचाना भी है, खुद को भी बचाना है, निकलना भी है और धीरे धीरे थोड़ी नोकझोंक तो शुरू हो ही जाएगी दोनों में. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो शुरू हो चुकी है दोनों में नोकझोंक, थोड़ा तकरार, थोड़ा केयर, थोड़ा कंसर्न. तो बस वही सब चीज़ें आज हम पहली बार शूट कर रहे हैं और जैसे कि आपने देखा बहुत मज़ा आ रहा है. कुछ अलग शूट कर रहे हैं हम. और तुम्हें कैसा लग रहा है? ये मार खाता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द होता है और मुझे बांधते हैं गुंडे मेरे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे बचाता है. तो वो सब शुरू हो चुका है. दोनों का थोड़ा सॉफ्टर साइड देखने मिलेगा. रावी और शिवा दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सोच रहे हैं जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकले. इनके अलावा गौतम, कृष और देव वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं रावी और शिवा को ढूंढने की. हालांकि उन्हें पता चल गया है कि इनकी किडनैपिंग किसने करवाई है और वो सब रिश्ता के घर पहुंच भी गए हैं जहां पर हंगामा भी हुआ, धमकी भी मिली. अभी भी वक्त है गौतम, संभल जा नहीं तो ताने ताने का मोहताज कर दूंगा, ताला लगवा दूंगा तेरी दुकान पे, पंड्या परिवार को रस्ते पर लेकर आऊंगा. एक चुप कर, तो काम मेरे भाई से बढ़कर नहीं है, तू बनाएगा मुझे मोहताज, तेरी हैसियत है. फील्डिंग तो लगानी पड़ेगी ना अभी. पूजा से प्यार इतना करते सब आरती के लिए जा रहे हैं और दो लोग बीच में गायब हो गए तो आएंगे ही फील्डिंग लगाने. मैं होप करता हूँ कि गोम्बी उसको बहुत कस के तमाचे दे और आगे दे आपको देखने मिलेगा शिवा जनार्दन की क्या बैंड हो जाता है. अब रावी और शिवा को तो कुछ नहीं होगा लेकिन हाँ ये सब जिसने किया है ना इसका ताना रिश्ता को तो जरूर सुनने मिलेगा. वो क्या है ना, घर में उनकी महा सासू माँ है ना, वो तो छोड़ेगी नहीं. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.
वो गाना याद है आपको, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। जी हाँ, ढूंढ रही है अनोखी की आंखें शौर्य को, क्योंकि शौर्य जो है ना वो गुम गए हैं। दरअसल शौर्य है आसपास, लेकिन अनोखी उनको देख नहीं पा रही है। अपने शौर्य सर को ढूंढने निकली है अनोखी। होटल के रिसेप्शन पर फोटो दिखाकर रूम नंबर पूछ रही है। शौर्य उसके पास से ही गुजरा और अनोखी को इस बात का एहसास भी हुआ, मगर फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा एंगल ही ऐसा है कि शौर्य और अनोखी एक दूसरे को देख ही ना पाए। अनोखी बेचारी बेचैन है तो शौर्य भी अकेला है। शौर्य ने अपने दिल की बात अनोखी को एक दिन पहले ही बता दी है, मगर अनोखी ने शौर्य के प्यार का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, वजह जरूर बताई, वो भी अपनी दोस्त को। अपने इस दोस्त के कहने पर शायद अनोखी नहीं मानी, मगर जब शौर्य की ये बहन अनोखी के सामने आई और उसने खबर बताई कि शौर्य बीती रात से घर नहीं पहुंचा, तो अनोखी पहले तो धक्का खाकर गिर गई। मगर फिर हिम्मत जुटाकर निकल पड़ी शौर्य को ढूंढने। दोनों आसपास ही हैं, मगर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। मगर अभी नहीं तो शायद बाद में ये दोनों जरूर मिलेंगे और इनकी ये प्रेम कहानी कुछ ऐसे ही आगे जरूर बढ़ेगी, क्योंकि फिल्मी कहानी में कहते हैं ना, जुदाई के बाद मिलन का मजा दुगना हो जाता है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे। हेलो, मैं हीरो बोल रहा हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल हीरो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वेब सीरीज पार्ट समथान की आज रिलीज हो गई ना, कि हेलो मैं हीरो बोल रहा हूँ। तो ऐसे में चलिए, पार्ट से खास मुलाकात तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये खोलने वाले हैं कई ढेर सारे राज। तो दोस्तों, मैं हीरो बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मैं जिनके साथ हूँ वो हीरो है और वो बोलने आ चुके हैं, और जब वो बोल रहे हैं तो लाखों करोड़ लोग सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्थ सप्तान की। पार्थ, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर, और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ। सो यस, मैं हीरो बोल रहा हूँ। आपके लिए कितना मुश्किल था, बिकॉज आप टीवी कर चुके हैं और टीवी में इतनी मेजर, इतनी बड़ी इमेज हो जाने के बाद उसको ब्रेक करना एक नए कॉन्टेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, एक्चुअली आपने सही कहा कि एक चैलेंज तो होता है, और टाइमिंग ऐसी थी कि मैं कसौटी के साथ साथ मैं हीरो की भी शूट शुरू कर चुका था, और मुझे थोड़ा मुश्किलात हुआ था कि मैं एक ही दिन पे कसौटी का शूट करके पैकअप करके फिर हीरो पर जाकर वो 90s के डायलॉग्स बोलूं। तो शुरुआत में बहुत दिक्कतें हुई थी, बट इन अ वे कोविड ने मेरी बहुत मदद की उस मामले में, कि जब मैं वापस कोविड के बाद जब हीरो वन फ्लो में शुरू हुआ, तब मुझे मैंने एक लहर पकड़ ली, एक सुर पकड़ लिया, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किरदार को कम से कम एक महीना या 45 days तो लगता है उस कैरेक्टर को समझने में, और उसके बाद आप एक बार वो उस लय में आ जाए कि वो कैसा उठता है बैठता है, उसका एटीट्यूड क्या होगा, स्वैग कैसा होगा, उसके बाद चीज़ें सब आसानी हो जाती हैं। तो
उसके बाद मेरे लिए एक स्मूथ जर्नी हो चुकी थी, जबकि ये रोल थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि ये वो लवर बॉय या टिपिकल हस्बैंड या आपका बेटा दामाद वैसा कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा विलेनियस रोल है, थोड़ा सा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है। एज एन एक्टर कई बार ऐसा होता है ना, वो अगर लंबे वक्त तक शूट चल रहा है या 20 दिन 15 दिन उससे भी ज्यादा, तो जो आपका लहजा है वो आपके साथ ही चल रहा है, मतलब फ्रेंड्स है वो दूर क्या कर रहा है, ये सब चीजें हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम हमारे कितने नाइट शूट सुबह करते थे जो सुबह तक चलते थे, लाइक सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक। तभी फॉर एग्जांपल इस शो के लिए मैंने स्मोकिंग शुरुआत की थी, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेलर में जहाँ पर मैं सिगरेट फूंक रहा हूँ, जिंदगी मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। पहले दिन पे मैंने 12 सिगरेट फूंके थे और उसके बाद मुझे एक हेडेक हो गया था, मेरा सर दुखने लग गया था। फिर तब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, जो बेसिकली वहाँ पर जो सिगरेट पीते हैं, उन्होंने कहा कि अब आधा डाल लो बेटा क्योंकि अब शो पर यही करना है। बट जब हमारा बिहाइंड द सीन जो होते थे, फॉर एग्जांपल अभी एक शॉट देके आया, तो हम लोग बाहर जाके एक कुर्सी लगाकर बैठते थे, सुट्टा मारते थे, सुट्टा इज द न्यू वर्ड फॉर मी, सुट्टा मारते थे और फिर उसी के साथ गपशप लड़ाई करते थे कि वही भाषा में कि अभी मैं डायलॉग आके बोल रहा है और फिर तू अभी आएगा और तू अपन को ये बोलेगा, क्या बात कर रहा है तू, ऐसा बात कर रहा है जी। आई थिंक दैट अजय देवगन डजंट हैव बट बात सत्ता है, गुड लुक्स, इंप्रेसिव। एक चीज जो शाहरुख खान के पास नहीं है लेकिन बाल संतान के पास है, हाइट। वन थिंग दैट सलमान डजंट हैव बट यू हैव, सलमान के साथ भी हाइट हो सकती है। ओके, अगर पार्थ संतान एक्टर नहीं होते तो क्या होते? आर्किटेक्ट और क्रिकेटर। ओके, अगर पार्थ को हॉलीवुड में किसी हीरो को रिप्लेस करने का ऑफर आए तो कौन सा हीरो होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहेंगे? क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर। थॉर नेक्स्ट आ भी रही है वैसे तो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। और वहाँ हाइट का इशू नहीं है, वो भी है। 12.99 एक जो डिजिट है, अगर वो गाना गाएगा तो वो क्या गाना होगा? और ये आंसर मैंने जब सुना तो मैं भी हंसा था और बहुत सिली लगा था, आप भी हंसेंगे बट ये पूछना। आई एम श्योर एक बहुत ही सिली आंसर होगा इसका। यस, अ वाइल्ड गेस। बाराना दे। नाउ मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, लेकिन ये सेम क्वेश्चन हमारे पास आया था, मैंने आज ही अर्शद वारसी से पूछा है, उन्होंने सेम गाना गाया है। आपका रील पे या इंस्टाग्राम पे डाला था पूरे खून से लथपथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइट भी है, सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग मरते हैं, एक वेब शो में होना भी चाहिए, कि क्राइम शो में तो होना ही चाहिए कि हर एपिसोड में कोई ना कोई मरे। तो वो है, बट ये जो आपने जो आप बोल रहे हो, जो खून से लथपथ, वो क्लाइमैक्स सीन है जो आप एक होता है ना, आप फिल्मों में देखते हो जहाँ पर एक हीरो और एक विलन की मुलाकात होगी अंत में और एक फाइट होगी, एक बहुत ही अच्छी एक्शन सीन होगा, तो वो एक सीन है उस दौर पर, और जहाँ पर मुझे उसको पंचेस मारने होते हैं और एक शॉट में मैंने उसको 50 पंच मारे थे, 50 लाइक लगातार मार रहा, तो ये उसका वो पूरा सा फ्लो है जो बाहर निकल के उसका रिएक्शन है, वो खून जो है, और वो शॉट एक बार नहीं, वो शॉट 2 बार 3 बार 4 एंगल से लिया था, हीरोइन के एंगल से, पुलिस के एंगल से, सब लोग देख रहे, सब लोग वहाँ पर खड़े खड़े देख रहे, तो वो 200 टाइम्स या 250 टाइम्स मैंने मुझे पंच मारने पड़े और उसमें से एटलीस्ट 10 तो उसको थोड़े से लगे। तो उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, बट कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत खुश थे कि सीन बहुत अच्छा निकल के आया, मैं बहुत थक गया था। अब ओटीटी पर आप आ गए हैं, डेब्यू कर रहे हैं, आपकी फिल्म भी गोवा में आप शूट करने के लिए जाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो जी, जो रास्ते हैं वो टेलीविजन की तरफ वापस आएंगे या फिर अभी थोड़ा सा उसको आपने ब्रेक दे रखा है, आप टीवी से हटकर ओटीटी बॉलीवुड ये सब करना चाहते हैं? नहीं, इनफैक्ट अभी फिलहाल ब्रेक दिया है और फोकस कर रहा हूँ मैं थोड़े से कुछ अदर प्रोजेक्ट्स पे, और कैसे है ना कि टीवी में एक अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, कि आपको अच्छे आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपको अच्छा पैसा मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कमिटमेंट देनी पड़ती है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और एज एन एक्टर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, दूसरे दूसरे किरदार करने हैं, तो मेरी बस कोशिश है कि मैं ज़्यादा देर एक शो में या किसी प्रोजेक्ट में ना अटका रहूँ, तो आई वॉन्ट टू डू मोर थिंग्स, तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए फिलहाल तो
आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स और जो मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ उसका भी कुछ दो महीने का शूट है तो बस आई कैन डू मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम टीवी तो अभी फिलहाल तो नहीं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू राज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो फॉर लविंग माई शो. इफ यू हैवंट अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज देखिए शो को और फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ आपके कॉमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई अब हमारी यह चाहते में हमारी सास और बहुएं भी सज गई हैं. वो क्या है ना कि आहाना का संगीत चल रहा है तो ऐसे में सजना सवरना तो बनता है. और जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कहानी लाने के लिए सास बहू और साजिश पहुंच गया सीधा गोवा. गोवा जाकर सच समर गई है प्रीशा, आहना और उनकी सास. रंगीन कपड़े, मैचिंग गहने और हाथों में मेहंदी और हाँ चेहरे पर हसीन मुस्कान लिए ये एक सास और दो बहुएं खूब इतरा रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं. वजह क्या है ये तो ये खुद ही बताएंगी ना. संगीत चल रहा है और आहना की शादी हो रही है जो मैं नहीं चाहती कि हो जाए. हाँ ये चाहती नहीं मैं खुश रहूँ लाइफ में और मैं चाहती हूँ कि ये खुश रहे. थैंक यू मम्मी जी. और तू भी खुश रहे. लेकिन मैं चाहती हूँ आहना खुश रहे इसलिए मैं गलत आदमी के साथ इनकी शादी नहीं होने दूंगी. बताओ ये मेरी मम्मी है इन्होंने मेरा ठेका ले रखा पता नहीं क्या प्लानिंग क्या स्कीमिंग करती रहती है और उनके साथ ये भी मिल गई है या नहले पे दहला चल रहा है. तो आहना के संगीत के लिए ये तीनों सजी हैं. जरा उनके कपड़ों का स्टाइल देख लीजिए और उतनी ही स्टाइलिश और मजबूरी वाली बातें भी. ये गोवा के लिए बहुत गलत लुक है बिकॉज़ इट इज हेवी एंड इट इज हॉट सो दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. बट अगर ये हम एसी में शूट कर रहे होते तो मैं ये पहन के बहुत खुश होती. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इंडियन आउटफिट्स ऑलवेज लुक नाइस सो दिस इज आहना संगीत लुक एंड सो दिस इज अ नाइस लहंगा कलरफुल लहंगा एंड यू नो हमेशा आहना कुछ अलग करने की कोशिश करती है. इतना अच्छा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी ठीक है. देखो मैंने भी लहंगा पहना मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना. वैसे मुझे पिंक कलर इतना पसंद नहीं है. पिंक है और गोल्डन कलर का टॉप कर लेते हो तुम प्रीशा कैसे. और इसकी फुल स्लीव्स है. पिंक कलर का मांग टीका है. ये जो इनका मांग टीका है ना ये मल्टीपर्पज मांग टीका है. ये जो इनका मांग टीका है ये मल्टीपर्पज़ मांग टीका है. तो हमारे ना टीवी में बहुत सारे हम जुगाड़ करते हैं जब हम डांस कर रहे होते हैं या फिर ऐसे आउटडोर में शूट कर रहे होते हैं तो मांग टीका के पीछे ना एक छोटा सा डबल टेप लगा देते हैं ताकि वो हिले ना अपनी जगह से. लेकिन ये मैडम ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं तो डांस करते करते इनका मांग टीका वो जो होता है ना साइड में व्हाट डू यू कॉल दैट जो साइड में लड़कियां पहनती हैं साइड मांग टीका व्हाटएवर. हाँ पाशा पाशा. हाँ तो ये मांग टीका की तरह भी यूज करती है और पाशा की तरह भी यूज करती है ना प्रीशा. दिस इज माय लुक आफ्टर माय हस्बैंड इज नो मोर. मेरे पति की डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं ऐसी हूँ तो मैं सिर्फ पर्ल्स और डायमंड्स पहनती हूँ एंड पेस्टल कलर्स में हूँ. गोवा में गर्मी और उमस बहुत है मगर मनोरंजन रुकना नहीं चाहिए इसीलिए तो सारी तकलीफों को दरकिनार करके ये कलाकार सज सवर गए हैं ताकि आप तक ट्विस्ट वाली कहानी पहुंचती रहे. तो आहना के इस संगीत में और फिर होने वाली दूसरी शादी में क्या ट्विस्ट आएंगे ये आपको हम जरूर बताएंगे. गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सच जो है ना वो छुपाई नहीं छुपता, देर सवेर सामने आ ही जाता है। ऐसे में यकीन मानिए इट इज़ बेटर कि आप पहले ही सच सबके सामने लाकर रख दे। और मेरे ख्याल से आदित्य ने डिसाइड भी कर लिया है सीरियल इमली में कि अब परिवार वालों को सच बता ही देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इमली रोक दे आदित्य को। इमली का आदित्य खूब आंसू बहा रहा है और पूरा परिवार मालिनी और आदित्य के बीच हो रहे झगड़े का कारण जानना चाहते हैं। आदित्य कुछ देर तो चुप हो गया, मगर माँ ने जब बेटे से पूछा तो वो इमोशनल हो गया और तैयार हो गया अपने मन में चल रहे द्वंद की सारी सच्चाई बयां करने के लिए। आदित्य की बातें सुनने के बाद अब इमली के मन में नया द्वंद शुरू हो गया है। ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ी खड़ी सुन रही थी, तो अब इमली डर गई है कि कहीं आदित्य सच में सारा सच लोगों को ना बता दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कई बार सच ही लगता है कि आंखों के साथ समझ होने के बावजूद हम लोग सिचुएशन को ढंग से आंख नहीं पाते। अब कोरोना फैल रहा है लेकिन फिर भी बाजार दिन में चार बार जब तक नहीं जाएंगे ना घर आगे चलेगा नहीं। खैर छोड़िए ये बातें तो चलती रहेगी, फिलहाल बात कर रहे हैं आंखों की। तो देख लीजिए सच कहा था मैंने कि जिन लोगों की आंखें नहीं होती ना कई बार वो काम ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। अब अपने दर्श को ही ले लीजिए, आंखें ना होते हुए भी ये साड़ी पहना रहे हैं नंदिनी को, जिनको साड़ी पहननी आती नहीं। अपनी प्यार की नजरों से अपनी प्यारी नंदिनी को साड़ी पहना रहा है। अब वो क्या है ना नंदिनी को वो दिलो जान से चाहता है और आपने देखा होगा कि नंदिनी को साड़ी पहननी आती नहीं है, तो ऐसे में दर्श ने उसका साथ दिया। जरा देखिए कि कितने प्यार से वो नंदिनी को साड़ी पहना रहा है।
भी ऐसा इस सीरियल की दुनिया में ही मुमकिन है, जहां पर एक प्यार करने वाला लड़का जो देख नहीं सकता है लेकिन मन की आंखों से अपनी होने वाली पत्नी को वो साड़ी जरूर पहना सकता है, उसे सजा सकता है, सवार सकता है, सुंदर सुंदर गहने भी पहना सकता है। और हाँ, आगे तो आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि दर्श को असली और नकली सोने की पहचान भी है। नंदिनी की सासू माँ ने नंदिनी को जो सोने के गहने दिए थे ना, उन गहनों में से आधे गहने तो नकली हैं। अब नंदिनी के ही घर में किसी ने गहनों की अदला बदली कर दी है और इसकी भनक दर्श को पड़ गई है, क्योंकि उसे एलर्जी जो हो रही है। नकली है, है नकली है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से मुझे एलर्जी है। ये देखो, रैश हो रहा है, लाल है ना। अब इसका हंगामा भी हुआ और दूध का दूध पानी का पानी भी हुआ। ये ओछी हरकत किसी और की नहीं बल्कि गुनबेन की है। नंदिनी को ही मिल रहा था, मेरे गहनों में मुझे नहीं कमर पड़ता, नहीं ब्रेसलेट, नहीं कान का झुमका, कुछ भी नहीं। तो मेरे ही साथ ऐसा सौते का व्यवहार क्यों? क्योंकि तू फिर छोटे है। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, अगर कुछ चाहिए था तो मांग ले लिया, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। कि असली की जगह नकली रख दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज टू मच। अब दर्श, जिस परिवार से आपने रिश्ता जोड़ा है ना, उस परिवार में गुण और उसकी माँ दोनों लालची हैं, जो रह रहकर आपके और नंदिनी के बीच कोई न कोई ट्विस्ट लाते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि शादी में ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि आपकी हल्दी में संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल गए हैं कि कुछ न कुछ जरूर होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी तो है ही सुपर डुपर हिट, लेकिन इस बार तो सर्किट ने मुन्ना भाई को दे दिया धोखा और बना ली है जोड़ी डीन के साथ, और कह रहे हैं कि भैया LOL, हंसे तो फंसे। भाई जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस नए कॉमेडी शो की, जो जल्द ही अमेज़ॉन पे आएगा और जहां पर आपको एक मुख्य किरदार में कम से कम इस कॉमेडी शो को रुख देते हुए नजर आएंगे अरशद वारसी और बोमन ईरानी। एक चीज जो बोमन के पास नहीं है और आपके पास है, टैलेंट। What a PJ! What a PJ! कितना अच्छा जोक मारा उसने, कितना अच्छा। मैं सोच भी नहीं सकता था, और ये भी सोचा होगा मैंने कुछ बोल दिया, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। Raj, I was worried about you now, but I am not worried. आपने पहले से बोला है, what a silly question. सर्किट से लेकर मुन्ना भाई के डीन तक, संता बंता से लेकर जॉली को LLB करवाने तक, इन दोनों दोस्तों की जोड़ी को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। Nobody comes up with a quicker joke than Arshad. हो ही नहीं सकता, it's too fast. Come back. और आज SBS Originals की मस्ती की कसौटी पर LOL यानी कि लाफिंग ऑल लाउड कहते हुए एक दूसरे से टकराएंगे अरशद वारसी और बमन ईरानी। यकीन मानिए कि इनके इस फन क्लैश में ठहाके सिर्फ आप ही के छूटेंगे, लेकिन ध्यान से, अगर आप फंसे तो फंसे। आप दोनों में से सबसे ज्यादा पीजेस कौन मारता है? अरशद।
तारीफ कर रहा हूँ अर्शद की but nobody comes up with a quicker joke than Arshad. हो ही नहीं सकता. It's too fast. Come back. Quick come back. मेरे ना मेरे को समझ नहीं आता ठक करके मेरे मुंह से निकल जाता है. और कई बार मैंने बोल दिया और बोला सोचा अरे ये नहीं बोलना चाहिए था. It's too quick. मुझे ठक करके निकल जाता है. एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही है अर्शद आपके लिए. एक चीज जो बमन के पास नहीं है और आपके पास है. टैलेंट. व्हाट अ पीजे. व्हाट अ पीजे. कितना अच्छा जोक मारा उसने. अच्छा मैं सोच भी नहीं सकता था. और ये भी सोचा होगा मैंने कुछ बोल दिया लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. बाद में ये भी नहीं सोचा. बोल दिया उसने. गलती जो आप दोनों ने साथ में की हो आप दोहराना नहीं चाहते हो वो क्या हो. दोस्ती. वेरी गुड. सी मैंने कहा ना. अर्शद बमन के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? बमन कैसा है यार. जिस तरह की बमन की पर्सनालिटी है आई वुड से ज़िनोबिया दानिश कयोजे. नहीं नहीं माय ग्रैंडचिल्ड्रन. ये काफी सिली क्वेश्चन है और मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज़ एक फैन ने भेजा था. अगर 12.99 इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ फॉर इटसेल्फ वो क्या गाएगा? 12.9 is singing a song for himself. Yes, 12.99. Barana de. नहीं, actually ये है. तेरा होने लगा हूँ. Oh ho ho. Sir, Larry, you got a bad DJ. Raj, I was worried about you now, but I am not worried. आपने पहले से बोला. What a silly question. नहीं, it's a good one. Beautiful, beautiful one. I love the joke. Whoever it is, please. It's a lot like what Arshad. Amazon Prime जल्द ही लेकर आ रहा है LOL हंसे तो फंसे, जहां सुनील ग्रोवर, अदिति मित्तल, मल्लिका दुआ, गौरव गेरा, सुरेश मेनन, साइरस ब्रोचा और भी कई सारे कमेडियंस पर नजर रखेंगे अर्शद वारसी और बमन ईरानी, क्योंकि इस बार इस शो के कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे को हंसाने की पूरी कोशिश करनी है. लेकिन अगर सामने वाला हंसा तो फंसा और बस यही चैलेंज है कि आपको हंसाना है लेकिन सामने वाले को अपनी हंसी को दबा कर रखना होगा. I genuinely believe in Arshad and I united for this. Just yeah. As I was happy, Arshad was happy. I think a lot of people were happy also. मुझे a lot of people are happy. But उसके अलावा honestly मैं बहुत humbly ये कह रहा हूँ. I think the show is about those 10 wonderful. Yeah, it's all about them. Yeah, watch them. I think it's safe for Baman also. I think humor is one of the most important ingredients in a person's survival. उम्मीद है कि SBS Originals की इस LOL ride में आपको बहुत मजा आया होगा. लेकिन अब देखते हैं कि आपको laughing all out करवाने के लिए कौन हंसकर फंसता है. राज दीक्षित, ABP News, Mumbai. ABP News, आपको रखे आगे.